हेलो गाइस, कैसे हो आप? देख रहे होगे कि कहीं कहां सोए हुए हैं मोहित और मैं, और कुशाल है हमारे नेक्स्ट कैबिन में, और उसका जो साला है प्रशांत वो भी है, और पीछे के कैबिन में है राहुल यानी मेरे साले का लड़का। तो हम जा रहे हैं मैरिज के अंदर, और बाबा की यात्रा भी है हमारे शहर से खाटू श्याम बाबा की। पैदल यात्रा हर साल होती है, वैसे भी है, तो हम जा रहे हैं। ये दोनों ही प्रोग्राम हो जाएंगे, तो इस वीडियो के अंदर रास्ते की जो जर्नी रहती है, वैसे तो रास्ते में तो एक दो जगह ही रुकेगी है मेन स्टॉपेज, लेकिन जहाँ भी रुकेगी हम आपको दिखाएंगे। और नाइट का सफ़र है, और जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम स्लीपर कोच के अंदर बैठ के आए थे, तो इस बार भी उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तो हमारा इरादा है कि हम इसी बस से जाएं, और ये बस जम्मू से आई है और ये सीकर जयपुर होते हुए जाएगी राजस्थान के लिए। तो हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, आने के टाइम पर हम गाड़ी के अंदर वापस आ जाएंगे। तो हमने सोचा कि बस में सफ़र करते हैं, क्योंकि बस का सफ़र हमें बहुत अच्छा लगा था पिछले टाइम पर, क्योंकि मेरे कमर के अंदर थोड़ी दर्द रहती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल सफ़र है। और नीचे वाले जो कहते हैं कि यानी कि स्लीपर कोच के अंदर पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं पूरा पैकिंग है, ये शीशे लगे हुए हैं आप देख सकते हो, और हवा के लिए ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, हवा की भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, और फोन चार्जिंग वगैरह लगाने के लिए पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और बिल्कुल पूरे अच्छे ढंग से हम आराम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। सामान हमने डिक्की में रख दिया है, और डिक्की को लॉक कर दिया है, तो हमने काफ़ी बड़े बड़े बैग थे तो डिक्की में रख दिए हैं। और वहाँ पे हमें जो हमारे शहर के अंदर लेने के लिए आ जाएगी, जिसकी शादी में जा रहे हैं, वो है पंकज, जो हमने पहले दो चार वीडियो पहले हमने बताया था कि 12 मार्च की शादी है, तो उसको भी कवर करेंगे, तो वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे शहर से कोई भी लड़का। तो हम सुबह पहुंचेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे भी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, उसका रीज़न ये था मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और मैं कहीं गया भी नहीं, इस करके मैंने वीडियो नहीं डाली थी। लेकिन अभी आपके पास प्रॉपर आगे वीडियो आएगी, तो आप चैनल पे बने रहिए, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के चैनल को भी साथ साथ में फॉलो कीजिए, इसी नाम से है, टुगेदर होकर के नाम से। तो मोहित कुछ कहना चाहोगे? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को आनंद लीजिए, धन्यवाद। गाइस, यहाँ पर बस रुक चुकी है। ये कौन सा शहर है? कौन सा शहर है भाई ये? है मोगा हेयर, मोगा हेयर, नमस्कार, मोगा मोगा आप लोग, मोगा के अंदर हवेली उठे। प्रशांत कुछ कहना चाहोगे? खाना वाना खा ली? खाएंगे वो सब, बिल्कुल। मोहित नहीं आया अभी तक, मोहित ये मोहित आ रहा है, और सोनू भाई खाना खाने के लिए तैयार हैं, सोनू स्पेशल डिश। हाँ भाई, मोहित कुछ कहना चाहोगे? बस रुक गई है और हम खाना खाने के लिए यहाँ पर होटल में रुके, और मेरे को बढ़िया लग रहा है ये होटल, और बाकी सोनू भैया जानकारी देंगे आपको। सोनू भैया क्या है कि होटल के खाने से रंजेंगे नहीं, इस करके वो घर से परांठे वगैरह बना के लाए हैं, प्याज के और मिर्ची के, पूरी रंजत के लिए। राजस्थानी भाषा के अंदर हमारा एक वर्ड है रंजत, ये बहुत ही मायने रखता है, इससे एक तरह से आप सेटिस्फेक्शन से इसको जोड़ सकते हो, यानी खाना खाने के बाद जो परफेक्ट सेटिस्फेक्शन होता है उसको हम लोग राजस्थानी भाषा में रंजत बोलते हैं। रंजत तो घर के खाने से आती है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, जो
घर के खाने में जो रंजित है वो कहीं पे नहीं है। बाकी ऑर्डर सोच रहे हैं क्या मंगाएं, बाकी जो घर का खाना है वो तो है ठीक है। और परौंठे भी देखेंगे कैसे हैं, कैसे बनाए हैं, और अभी मेनू देख लेते हैं। और सोनू भाई को यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी लगती है, इस करके लस्सी मंगाई है ज़बरदस्त तरीके से। और राहुल भी आ चुका है, राहुल की लस्सी आ गई है, ऐसी बनाई है ना, ऐसी सेम है, बढ़िया तरीके से बनाई है, बहुत अच्छी सर्विस है। तो गाइज हमने खाना वगैरह खा लिया है, परांठे बहुत अच्छे बने हुए थे, हम दिखा तो नहीं पाए क्योंकि कहते हैं कोई वीडियो बनाने के लिए तैयार ही नहीं था, और सभी खाने में लगे हुए थे। जब कहते हैं नींद में उठते हैं तब फिर ऐसा ही होता है। अभी हो गया बिल, चले 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 बस चलिए चलो। और आखिर में राहुल ने भी कहते हैं खाना वगैरह खा लिया है, लस्सी वगैरह पी ली है, और अभी हम बाहर आ रहे हैं। बाहर बहुत अच्छे झूले लगे हुए हैं, बाहर बैठने के लिए भी कहते हैं टेबल वगैरह लगे हुए हैं, और अच्छे स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं जो आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। और यहाँ पर कहते हैं कुछ खा पी कर कहते हैं खाने को पहुँचाते हुए, जो कहते हैं झूला वगैरह लेकर कहते हैं मोहित और प्रशांत कहते हैं अपने अपने बारी से झूला वगैरह नज़ारे ले रहे हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, मुझे लगता है आज ये बच्चों के झूले तोड़ के ही यहाँ से जाएंगे। नहीं ये स्वीट मेरे काम के नहीं है क्योंकि इससे शुगर हाई हो जाएगी। सॉरी सॉरी मैं भूल गया था। चले चलो फूफा जी चलो, अंदर गोरा भी बैठा है। हेलो मोहित, गोरे से हेलो हाई करी। अभी चलते हैं हम बस के अंदर क्योंकि बस अभी चलने वाली है, और इससे पहले आपको रोड का दृश्य दिखाते हैं। ये कहते हैं पंजाब की साइड में ये रास्ता जा रहा है, और ये दूसरा जो रास्ता है वो कहते हैं राजस्थान साइड में जा रहा है। तो आप देख सकते हो, तो इस प्रकार से कहते हैं ये बस काफ़ी कहते हैं शहरों से गुजरते हुए ये बस जाती है, और ये विजय ट्रेवल्स की बस है, और यहाँ पर कहते हैं मोगा के अंदर इसका ये स्टॉपेज यहाँ पर होता है। अगर एक बार आपको मैं सभी तरीके से यहाँ पर घुमाकर दिखाऊं तो इस प्रकार से ये व्यू आप देख सकते हो पूरे होटल का और मेन जीटी रोड का व्यू। इस प्रकार से कहते हैं आने जाने वाली गाड़ियाँ वगैरह और जो ट्रेवलर्स वगैरह यहाँ पर रुकते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई भी है, और यहाँ पर खाना पीना सब कहते हैं कि खाकर आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल के लिए। और आखिर में हम बस के अंदर चढ़ चुके हैं, बस के अंदर काफ़ी भीड़ थी, और अपनी मंजिल की तरफ बहुत मुश्किल से चढ़ रहे हैं। मम्मा नीचे की कराओ, अब क्या कराओ, चलो ठीक है। हाँ प्रशांत जी, हेलो जी। हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया है, बस दिक्कत तो कुछ नहीं। वैसे स्लीपर बस के अंदर हमेशा प्राइवेटली नीचे वाली सीट को देनी चाहिए, ऊपर के अंदर चोट लगने की संभावना काफी ज्यादा होती है। हमें तो एक बार भी नहीं लगी है, और खासकर मेरे जितना वजन जिसका उसको तो बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। नीचे की पहली प्राइवेटी, तुमने ही कहा था कि ऊपर की लेना। चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा पहले स्पेशल तौर पे ध्यान रखा जाएगा, पूरी प्राइवेटी दी जाएगी आगे की यात्रा में। नीचे की लेंगे स्लीपर। प्रशांत, प्रशांत को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पता है, हमें तकलीफ नहीं है, प्रशांत को भी तकलीफ नहीं है, तुम्हें ही तकलीफ हुई है। ये जी हम बकरी पिंजरा में से मुंडो कौन काटे भी हिसाब से काट रहे है। अगर मैं आपको सामने से राहुल की सीट दिखाऊं तो राहुल भी अपनी सीट के ऊपर एडजस्ट हो चुका है। ये सामने राहुल है, नींद वगैरह उड़ा ले, नींद उड़ा ले। प्रशांत जी
पूरा सामान पैकिंग कर ले, कोई सामान ना छूट जाए, मोबाइल वगैरह सब देख लेना, बोतल वगैरह, और जो वो बोतल वगैरह रखी है ना वो भी फेंक देना बाहर। और कुछ ही दूरी पर हमारी मंजिल आने वाली है, उससे पहले मैंने सभी को उठा दिया है और सभी अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं। सामने से राहुल कर रहा है और मैं नीचे आ चुका हूँ। सोनू भैया नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नीचे आ जाओ, पता नहीं सीट से मोहब्बत हो गई है इनको, और ये दोनों थोड़ी मस्ती करते हुए टोपी चकाने का इंतजार करते हुए। ये गोरे को लेकर कुछ मजाक कर रहे हैं आपस में। और इस ब्लॉक में बस इतना ही है, हमारी मंजिल आने वाली है और हम यहाँ पर थोड़ी देर में अभी उतरने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। गाड़ी अभी आई नहीं है और वेट कर रहे हैं जो लेने आ रहा है उसका, और थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। बढ़िया रेस्टोरेंट है ये चाय का। इधर से गाड़ी आएगी और फिर हम जाएंगे। चलो भाई फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो के, और अभी थोड़ी देर में वो आने वाला है। इसको बोलते हैं चुंगी, चुंगी में भाई, चुंगी में। और यहाँ तक देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद।